14 जुलाई 2023 की तारीख भारतवासियों के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक थी। हर कोई अपने अपने घरों पर न्यूज चैनल से मानो चिपक कर बैठ गया था। हर किसी की नजरें घड़ी के टिक टिक और टीवी के बीच पिंग पोंग बॉल की तरह घूम रही थी। फिर जैसे ही घड़ी ने दोपहर के 2:35 बजाए, वैसे ही आसमां का सीना चीरता हुआ भारत की शान चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ने लगा। चंद्रयान 2 के लैंडर को मिली असफलता ने लाखों देशवासियों की आंखों को नम जरूर कर दिया था, मगर इसरो ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के अपने मिशन को हर हाल में पूरा करने की ठान ली थी। भारतीयों के जज्बे, मेहनत और लगन ने चंद्रयान 3 को और भी इनोवेटिव और अफोर्डेबल बनाया। दोस्तों, इस ऐतिहासिक लॉन्च के बाद से ही सोशल मीडिया पर देश में 100 में से 90% जनता अपने देश और इसरो पर गर्व कर रही है। मगर भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसरो पर सवाल उठाए। उनका कहना यह है कि देश में जब इतनी महंगाई है, लोग पेट भरने के लिए सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और हम चांद पर जाके जीवन ढूंढने की कोशिश में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता उसका मेंटर एक यूपीएससी टॉपर हो या इंडिया की बेस्ट फैकल्टी में से एक हो। आपका सपना भी पूरा होगा क्योंकि हम मेंटर्स और ये टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। बस आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी में उतरने का फैसला लेना है, उसके बाद का सारा डिसीजन हमारा। ज्वाइन करिए यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच और कोड यूज करिए जय हिंद। जय हिंद नाम का कोड यूज करिए, इससे न सिर्फ आपकी तैयारी का खर्चा सस्ता होगा बल्कि बहुत अच्छा होगा। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। अब देश में टमाटर आसमान छूते दामों को देखते हुए चांद तक पहुंचने का सपना किसी की भी आंखों में खलेगा, है ना? मगर क्या आप जानते हैं कि स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना हमारे देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, सरहदों की बेहतरीन सुरक्षा के लिए ये स्पेस प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। 28 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर में कार्टून के साथ एक आर्टिकल छपा था। इस कार्टून में एक गरीब भारतीय किसान अपनी भैंस के साथ एक स्पेस क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा था। आर्टिकल की हेडलाइन थी इंडियाज बजट मिशन टू मार्स, यानी एक तरह की इस आर्टिकल के थ्रू इंडिया की खराब इकोनॉमिक स्टेटस पर तंज लगाया जा रहा था। मगर वक्त बदला, हालात बदले, जो नहीं बदला वो थी देश के लिए लोगों का प्यार और समर्पण की भावना, जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 जुलाई को एक बार फिर न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में भारत के लिए आर्टिकल छपा। लेकिन इस बार जो हेडलाइन थी, द सरप्राइजिंग स्ट्राइवर इन द वर्ल्ड स्पेस बिजनेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम और आप ये समझते हैं कि आखिर क्यों इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स को ग्लोबली इतनी सराहना क्यों मिल रही है। बात है सन 1947 की, जब हिंदुस्तान सही मायने में आजाद भारत बना था। देश को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन बंटवारा और लगातार गिर रही इकोनॉमी जैसे बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। ऐसे में किसी भी तरह के स्पेस प्रोग्राम के बारे में सोचना भी देश के लिए एक सपने जैसा था। मगर ये इंडिया की उपलब्धि ही है कि कभी गरीब किसान के रूप में दिखने वाला भारत आज लगभग 140 रजिस्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप के साथ स्पेस प्रोग्राम्स की दुनिया का बहुत अहम हिस्सा बन गया है। इसरो ने अब तक 166 से ज्यादा मिशंस को पूरा किया है। बहुत जल्द इंडिया ह्यूमन को स्पेस तक पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब देश की स्पेस तक की जर्नी को खंगालने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर साल 1962 में जाना होगा। इस समय में साउथ केरला के अंदर डॉक्टर विक्रम साराभाई एक रॉकेट लॉन्च के पार्ट को सेटअप कर रहे थे। इस काम के लिए उन्हें वॉलंटियर्स की तलाश थी। दरअसल 1962 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने फिजिसिस्ट विक्रम साराभाई को इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च का कार्यभार सौंपा था। हालांकि इंडिया की गिरी हुई इकोनॉमी की तरह ये भी ऑर्गेनाइजेशन धाराशाही हो गई थी। इस काम में जो लोग वॉलंटियर कर रहे थे वो भारतीय समाज के वो युवा थे जो स्पेस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब इसरो और नासा के बीच आज कितनी भी कंपटीशन क्यों ना हो, एक समय में भारत की मदद के लिए नासा ने ही हाथ बढ़ाया था। दरअसल नासा ने ही भारतीय युवाओं को ट्रेनिंग दी थी।
इसे हम एक पार्टनरशिप की तरह समझ सकते हैं, जिसके थ्रू इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कर सकता था। इसलिए नासा ने भारत को एक नाइकी अपाचे रॉकेट भी दिया था। अब रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भारत के पास किसी तरह का कोई लॉन्चिंग स्टेशन चाहिए था। इस काम के लिए विक्रम साराभाई ने अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर मौजूद केरला का थुम्बा गांव को चुना। नासा से आए इस रॉकेट को थुम्बा गांव तक पहुंचाने के लिए जुगाड़ लगाए गए। इस रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया था, जिसके बाद आखिरकार 21 नवंबर 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। यहां से भारत की कभी न थमने वाली स्पेस जर्नी की शुरुआत हो गई थी। इसके तकरीबन 6 साल बाद INS कोपार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च की जिम्मेदारियां बढ़ी और इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया, जिसके बाद 1975 में इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को USSR के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया था। इसके 5 साल बाद यानी कि 1980 में इंडिया ने अपनी ही लॉन्चिंग व्हीकल में अपनी स्पेस क्राफ्ट के थ्रू अपनी ही सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो की उपलब्धियों को अगर ध्यान दें तो इंडिया पहला ऐसा देश था जो अपने पहले ही ट्रायल में मार्स के ऑर्बिट तक जा पहुंचा था। इसके अलावा भारत के नाम पर सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाने का भी रिकॉर्ड है भारत के पास। हालांकि इसी तरीके से कई माइलस्टोन बनाने के बाद भी ग्लोबल स्पेस लॉन्च की लिस्ट में भारत का योगदान बहुत कम ही है। 2022 में सबसे ज्यादा स्पेस लॉन्चेस की लिस्ट में US पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना था। अब अगर आप इस लिस्ट में भारत को ढूंढ रहे हैं तो 127 लॉन्चेस के साथ भारत 7वें नंबर पर मौजूद था। वहीं 2020 के स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 2% तक सीमित रह गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसरो की इतनी उपलब्धियों का क्या फायदा हुआ। दरअसल भारत के इतने कम आंकड़ों का जिम्मेदार प्राइवेटाइजेशन की कमी को ठहराया जाता है। US के एग्जाम्पल में समझें तो SpaceX और Boeing नाम के प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने की वजह से नासा ने इन्हें कंपोनेंट ही नहीं बल्कि पूरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोडक्शन की परमिशन दे दी थी। 1990 के बाद से प्राइवेट सेक्टर में हो रहे डेवलपमेंट की वजह से स्पेस में लॉन्च होने वाले प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सैटेलाइट को प्राइवेट कंपनीज ही लॉन्च करने लगी थी। इस प्राइवेटाइजेशन का स्पेस सेक्टर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दरअसल इन प्राइवेट कंपनीज की वजह से आज के समय में रॉकेट के वेस्ट होने वाले फर्स्ट स्टेज को रीयूज करना शुरू कर दिया। इस पहल में स्पेस बजट में भी काफी सुधार होने लगे थे। अब अगर स्पेस बजट की बात करें तो साल 2022 में भारत का बजट $1.7 बिलियन था, चाइना का $14 बिलियन और US का $30 बिलियन था। प्राइवेटाइजेशन की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई, मगर इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। इससे पहले इंडिया की स्पेस जर्नी में प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट जीरो था, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में गोदरेज कंपनी ने कई कंपोनेंट्स बनाने का योगदान दिया था। 1994 में गोदरेज ने विकास इंजन को बनाया था, जिसका इस्तेमाल कई स्पेसक्राफ्ट में किया जा चुका है। इसके अलावा और भी कई कंपनीज ने भारत के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी कंपनियां उन समय मुनाफे के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए इसरो की मदद कर रही थी। दोस्तों, इस मदद के बदले इसरो इन कंपनीज के वर्कर्स को बेहतरीन ट्रेनिंग देने का काम भी कर रही थी। हालांकि आज के समय में देशभक्ति के साथ ही प्रॉफिट का फैक्टर भी ऐड हो गया है। आज के समय में ये प्राइवेट कंपनीज अपनी सैटेलाइट बना भी सकती हैं और उन्हें लॉन्च भी कर सकती हैं। और इससे प्राइवेट कंपनीज ने पोल्यूशन कंट्रोल से लेकर स्पेस डेब्री यानी कि स्पेस में छूटे गए वो सैटेलाइट के वेस्ट को कभी साफ किया जा सकता है जो अन्य सैटेलाइट के लिए खतरा बन सकता है। स्पेस बिजनेस को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो पार्ट्स में बांटा जाता है। अपस्ट्रीम कंपनीज सैटेलाइट्स को बनाती हैं और उन्हें लॉन्च करने का काम भी करती हैं। वहीं डाउनस्ट्रीम सेगमेंट स्पेस डेटा के जरिए प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। भारत में बड़ी मात्रा के अंदर डाउनस्ट्रीम स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। देश का स्पेस सेक्टर प्रॉफिट में ज्यादा ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, दुनिया भर में लो कॉस्ट पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रशिया और चाइना का रुख किया जाता है, मगर यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया की पॉलिसीज में बदलाव आ गया। वहीं वेस्टर्न कंपनीज चाइना से दूरी बनाना पसंद कर रही हैं, जिसका सीधा सा फायदा इंडिया को हुआ। अब देश और दुनिया में लॉन्च होने वाली सैटेलाइट्स को
भारत से भी स्पेस में भेजा जाने लगा है। यही कारण है कि अब देश में प्राइवेटाइजेशन स्पेस सेक्टर में भी देखने को मिलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चंद्रयान 3 को लेकर कितना गर्व महसूस करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको हमारा एक और वीडियो अच्छा लगेगा जो हमने भारत दर्शन के ऊपर बनाया है, जब लवासना जाते हैं एस्पिरेंट्स सेलेक्ट करके एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर वो भारत दर्शन का टूर करते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सिद्धार्थ सिंह मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।